Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम 18 टू 21. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ मोनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस फॉर x इक्वल टू 1. तो 18 से लेकर के 21 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें x की वैल्यू 1 लेकर के वेरीफाई भी करना है कि जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर वो करेक्ट है या नहीं. तो लेट अस फाइंड फर्स्ट द प्रोडक्ट. तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा. प्लस में और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5. आफ्टर दैट वेरिएबल्स को लिख लेंगे एक साथ. ओके, अब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो देखिए माइनस में आ जाएगा. 4 3 जै 12 एंड 12 5 जै 60, माइनस 60 एक्स क्यूब आपका जो है प्रोडक्ट आ चुका है. यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे नाउ. तो वेरिफिकेशन के लिए आप LHS मानेंगे इसको, ठीक है, और जो रिजल्ट आया है, जो प्रोडक्ट आया है, उसको आप मानेंगे RHS. और इन दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे x की और फाइंड करेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है. यदि सेम आएगा तो हम कहेंगे कि वेरीफाइड है, मीन्स करेक्ट आंसर हमारा है, और यदि नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि इनकरेक्ट है. ओके, तो सबसे पहले हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर. तो वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ लिख लेंगे सिंस x इक्वल टू 1. तो यही वैल्यू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो आपको मिल चुका है यहाँ पर 3 इंटू 1 3 ही रहेगा, इंटू 4 इंटू 1 4 ही रहेगा, इंटू माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तब भी माइनस 5 मिलेगा आपको. सो मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा आपको माइनस 60. नाउ RHS, नाउ RHS आपका है माइनस 60 एक्स क्यूब. आप यहाँ रख लेंगे माइनस 60 एक्स क्यूब. नाउ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 टू द पावर 3. वन का पावर आप थ्री लेंगे तो वन इंटू वन थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वन में, तो आपका वन ही आएगा. और फाइनली आपका जो आंसर आएगा माइनस 60 इंटू वन आएगा, मीन्स माइनस 60 ही रहेगा. आप देख रहे हैं यहाँ पर LHS जो आया था वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पुट करने पर वो माइनस 60 आया था, RHS का वैल्यू भी माइनस 60 आ रहा है. देयरफॉर बोथ आर सेम. तो लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 19. सबसे पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ देखिए प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस एंड प्लस माइनस ही होगा. उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे. फाइनली ध्यान दीजिए 4 4 16 एंड 16 3 48, ये आपको वैल्यू मिल गया है. सो ये आपका प्रोडक्ट है, यही आपका RHS है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है. आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 1 स्क्वायर इज 4, इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, इंटू 4 अपन 5. तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ होता नहीं है. नाउ अब फाइंड करेंगे RHS. RHS आपका ये है माइनस 48. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इंटू 1 टू द पावर 6. तो 1 टू द पावर 6 लेंगे तो 1 ही आएगा फाइनली. तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा माइनस 48 अपन 5. और आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है सेम आई है. तो लिख सकते हैं आप सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड. नाउ क्वेश्चन 20. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन सबका अलग है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा. यहाँ पर सॉल्व करना होगा और यहाँ भी सॉल्व करना होगा. सो हम इसको सॉल्व करके एक बार लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3 6 हो जाएगा, इंटू 2x का होल पावर है 2. इट मीन्स हम 2x को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x. जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू अब जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए 4 है प्लस 6 प्लस, यहाँ भी देखिए एक ही x है आपका, यहाँ भी एक x है, तो प्लस 1 प्लस 1, ठीक है. तो आपका फाइनल जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 20x टू द पावर 12. अब यहाँ वेरीफाई करेंगे. नाउ वेरिफिकेशन, LHS इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. यहाँ पर आपको मिलेगा 5 इंटू 1 टू द पावर 4 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 5 ही मिलेगा. इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है और उसका भी पावर क्यूब करेंगे, 1 क्यूब करेंगे तो 1 का 1 ही होगा. इंटू 2 इंटू 1 होगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4. RHS आपका यहाँ पर देख रहे हैं 20x टू द पावर 12. यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, मिलेगा आपको 2 इंटू 1 टू द पावर 12. और 1 का पावर आप कुछ भी ले लें वो 1 ही रहता है. सो यहाँ मल्टीप्लाई करने में मिलेगा आपको 20 ही. सो फाइनली हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए. तो आप यहाँ लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 21. ओके, सबसे पहले हम
इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे पहले। एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 है, तो पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिल जाएगा आपको एक्स टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4x इंटू 5। सो यहाँ पर पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस जो आया माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही रहेगा, फाइनली माइनस हमें साइन मिलेगा। अब कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है 2 है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, एक्स टू द पावर सबका पावर ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 8। सो अब यहाँ पर पुट कर लेंगे एक्स की वैल्यू 1 40, माइनस 40 आपका आ गया है LHS। नाउ RHS इक्वल टू, ये आपका RHS है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 1 40 इंटू एक्स टू द पावर 8, एक्स वैल्यू 1 पुट करने पर मिलेगा आपको माइनस 40 इंटू 1 टू द पावर 8, तो 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो आपका 1 ही आएगा, मीन्स आपको मिल जाएगा माइनस 40। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो को देख करके कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा इस वीडियो का सोल्यूशन तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और यदि आप किसी क्वेश्चन पर या किसी एक्सरसाइज का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो भी। थैंक यू सो मच, बाय।